खबर बस्तर से है, जहां पर जंगल में खूनी जंग लड़ने वाली लाल सेना ने पुलिस से दुश्मनी को नकारते हुए उन्हें अपना मित्र बताया है। बस्तर के अबूझमाड़ इलाके में माओवादियों ने पोस्टर के जरिए अपनी इस मंशा का जिक्र किया। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज होते ही माओवादियों ने भी चुनाव की खिलाफत शुरू कर दी है। इसके तहत लाल सेना ने बस्तर के कोंडागांव और नारायणपुर क्षेत्र में करेनार इलाके में बैनर पोस्टर लगा रखे थे। जंगल और सड़क पर पर्चे भी फेंक रखे थे। आमदाई एरिया कमेटी समेत सेंट्रल और जोनल कमेटी के हवाले से जारी इन बैनर पोस्टर और पर्चों में माओवादियों ने विभिन्न थानों कैंपों में आए दिन जवानों के बीच हो रहे खून खराबे और आत्महत्याओं का हवाला देकर पुलिस के निचले तबके के जवानों को तनावपूर्ण नौकरी और जीवन छोड़कर बेहतर जिंदगी के लिए लड़ने का आह्वान किया है। परशुमन जवानों को उन्होंने अपना मित्र करार दिया है। वहीं कलेक्टर समेत एसपी जैसे उच्चाधिकारियों और कांग्रेस भाजपा सरकारों पर निशाना साधते हुए जनता सरकार बनाने की पैरवी की गई। माओवादियों ने प्रशासनिक और पुलिसिया शिविरों को फर्जी करार देते हुए शिविरों समेत पुलिस कैंपों थानों के विरोध का फरमान सुनाया है। यही नहीं, पेशा कानून और पांचवी अनुसूची को न मानने वाले कलेक्टर एसपी को मार भगाने की बात भी लाल सेना ने कही है। भोपाल में एमपीपीएससी से पास आउट 91 युवतियां